आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे ई रूपी के बारे में कि ई रूपी क्या है, कैसे काम करता है और इससे क्या फ़ायदा है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, तो बने रहिए साथ में। आज के पीआईबी इंडिया के एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी की एक वीडियो रिलीज की गई है हमारे प्रधानमंत्री की, और बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने ई रूपी लॉन्च किया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने खुद के ट्विटर हैंडल से और पीएमओ के ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो जारी किया है, और इसके साथ साथ लॉन्चिंग के बारे में काफ़ी कुछ कहा है जो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि ये जो ई रूपी है वो एक पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, यानी कि एक व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट भुगतान प्रणाली, ठीक है। और इसे आज 2 अगस्त को लॉन्च किया गया है, और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि इट इज़ अ क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर। जैसे कि आप ये जानते ही हैं कि क्यूआर कोड, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ पे गूगल पे, पेटीएम या फोन पे का एक काला सा बना होता है, और आप उस पर अपने मोबाइल का स्कैनर खोल के जैसे ही स्कैन करते हैं उसके माध्यम से आप पैसा पे कर देते हैं, तो ये उसी तरह का होगा। और इसके साथ साथ ये मान लीजिए वो तो मोबाइल के लिए आपको स्मार्टफोन होना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, फीचर फ़ोन है, तो भी आप इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर होगा, यानी कि एसएमएस के द्वारा आएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी कुछ मतलब इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने खुद के ट्विटर हैंडल से भी इसके बारे में कल जानकारी दिया हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स अ मेजर वे एंड इज़ फर्दरिंग ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। और बताया कि कल यानी कि आज 4:30 बजे ये इसे लॉन्च करेंगे, और काफ़ी कुछ इसके बारे में बेनिफिट बताया है, हम भी आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लीजिए, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि सम ऑफ बेनिफिट ऑफ ई रूपी आर कैशलेस, यानी कि ये जो होगा नगद रहित होगा, इसके साथ साथ कॉन्टैक्टलेस होगा डिजिटल पेमेंट, यानी कि इसमें किसी को छूने की आवश्यकता नहीं है, संपर्क रहित, ठीक है। कनेक्ट सर्विस स्पॉन्सर एंड बेनिफिशरीज डिजिटली, जो भी सर्विस स्पॉन्सर कर रहे हैं या जो भी कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो डिजिटली इसके द्वारा पे की जाएंगी। इंश्योर लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेरियस वेलफेयर सर्विसेज, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बात की पूरी मतलब इंश्योर किया जाएगा कि जो भी विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लीक फ्री हों। मेरा नाम है आरबीराज और मैं MSc, यहाँ आप मेरा जानकारी देख सकते हैं, ठीक है, और आपका मैं स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। चलिए ये मेरी इंट्रोडक्शन हुई, आगे देखते हैं क्या है। तो क्या है यानी कि ई रूपी क्या है, इसके बारे में तो मोटा मोटी आपको अंदाज़ा मिल ही गया है, फिर भी इसके बारे में विस्तृत रूप से हम जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। ई रूपी इज़ अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ई रूपी जो है वो क्या है, एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस यानी कि नगद रहित और कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क रहित एक तरीका है डिजिटल पेमेंट करने का, और इसको डेवलप किसने किया है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कनेक्ट स्पॉन्सर ऑफ द सर्विसेज विथ बेनिफिशरीज सर्विस प्रोवाइड इन अ डिजिटल मैनर विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की फिजिकल इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि एश्योर्स टाइमली पेमेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियरी, यानी कि इसमें किसी भी दूसरे अन्य मध्यस्थता के पक्ष की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि इसमें बिना किसी मध्यस्थ के ये जो है टाइमली यानी कि समय पे पेमेंट किया जा पाएगा। और आगे देखते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिलीवरी सर्विसेज, यानी कि प्रोवाइडिंग ड्रग्स एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंडर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, और टीवी कैड इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो भी डिलीवरिंग सर्विसेज है, जैसे कि ये शिशु और मातृ कल्याणकारी जो योजनाएं चलती हैं या आपकी टीवी बीमारी के लिए जो योजनाएं चलती हैं उसमें जो भी पैसा भेजा जाता है ये इसके माध्यम से भेजा जाएगा, और जो भी आवश्यक जो ड्रग है यानी कि दवा और जो पोषक तत्व हैं उसको उपलब्ध इसके माध्यम से कराया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ई रूपी जो है वो क्या है, एक
उपहार गिफ्ट वाउचर की तरह है, जैसे आपको अमेजन पे मिलता है या बिग बाज़ार में मिलता है या जियो मार्ट में मिलता है। तो ये उसी तरह का एक क्या है ट्रेंड्स जो है आपका, उसमें जिस तरह का वाउचर मिलता है ये उसी तरह का होगा। अगर इसको आसान भाषा में हम कहें तो ये प्रीपेड गिफ्ट वाउचर है, ठीक है। यानी कि आपको एक वाउचर मिल गया जो SMS या QR कोड के रूप में होगा और आप इसे किसी दुकान पर जाइएगा, किसी दुकान कहने का मतलब ये उसी स्पेशल दुकान पे भजाया जा सकता है। जैसे आप बिग बाज़ार का कूपन लेके अमेजन में जाए तो वहाँ पे भज सकता है क्या, भुना सकते हैं क्या, नहीं भुना सकते हैं। तो इसे भुनाने के लिए एक विशिष्ट केंद्र होगा, वहीं पे आपको भुना सकते हैं और जन कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके मोबाइल फ़ोन पर ये आएगा और वहाँ से ये QR कोड या SMS कोड जो इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा उसके माध्यम से इस योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि इन वाउचरों के लिए जो लाभार्थी हैं उनके पास बैंक खाता नहीं हो तो भी चलेगा, यानी कि बैंक खाता की कोई अनिवार्यता नहीं है। जैसा कि हमने बीते वर्ष कोविड महामारी के दौरान देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो योग्य थे लेकिन बैंक खाता नहीं होने के कारण वो नहीं प्राप्त कर पाए। आगे हम देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो चलिए, ये प्रीपेड प्रकृति होने का है। प्रीपेड यानी जैसे कि आप मोबाइल अपना रिचार्ज कराते हैं तो पहले पैसा देते हैं और उसके बाद आपको सेवा मिलती है, तो ये प्रीपेड प्रकृति होने के कारण सेवा प्रदाता जो भी मतलब दे रहा है बिना किसी मध्यस्थ, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि इसमें किसी भी इंटरमीडिएरी की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी ये भुगतान की आश्वासन देता है। अच्छा, इसमें बात आता है कि लाभार्थी जो हैं उनकी पहचान कैसे की जाएगी, तो उनकी पहचान मोबाइल नंबरों से की जाएगी। वाउचर के माध्यम से भुगतान करते समय लाभार्थी को 2-फैक्टर प्रमाणीकरण के लिए OTP पासवर्ड दिया जाएगा। आप फेसबुक में भी अपना डालते होंगे 2-फैक्टर वेरिफिकेशन कोड, तो ये उसी तरह का होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेफ एक तरह से 2-फैक्टर ये वेरिफिकेशन को माना जाता है। अब देखते हैं कि इस योजना में कौन कौन से बैंक भाग ले सकते हैं। तो इसमें निजी यानी प्राइवेट बैंक और जो गवर्नमेंट बैंक है दोनों भाग ले सकते हैं, दोनों शामिल हैं। अच्छा, जिस व्यापारी के पास इस ई रुपी को ये भुनाया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, उसको क्या करना होगा? तो उसको इसे लेने के लिए, जैसे तरह पेटीएम कार्ड या ये लेने के लिए कार्ड लगाए होते हैं या एक अपने दीवार पे चिपकाए होते हैं, उसी तरह ये इन्हें मिल जाएगा। और इसके लिए इन्हें सिर्फ क्या करना होगा, तो एक आवेदन देना होगा, ठीक, उसके बाद ये इसे प्राप्त कर पाएंगे। आगे ये फ़ायदा जो है इसका वो क्या होगा कि इस प्रकार ये बैंक रहित जो आबादी है उसके तक भी कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं उनके लाभ पहुँच पाएंगे। और इस वाउचर का जो उपयोग है केवल एकल लेन देन के लिए, यानी एक बार लेन देन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा और ये किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए जारी किया गया है वही इसका उपयोग कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि ब्लूमबर्ग जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, उसमें इसके बारे में बताया गया है कि इस वाउचर की जो अधिकतम भुगतान की सीमा होगी 10,000 रुपये हो सकती है, यह अंदाज व्यक्त किया गया है। अब देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा तो काफ़ी कुछ आपको अंदाज मिल ही गया है, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफ़ी कुछ इसके बारे में ट्वीट के माध्यम से और अपने भाषण के माध्यम से बताया गया है, जिसकी झलक हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार के द्वारा किताब के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाए, यूनिफॉर्म के लिए पैसे भेजे जाए तो उसका उपयोग उसी में खर्च हो, यानी कि जिस उद्देश्य से भेजा जाए इसका प्रयोग उसी उद्देश्य से किया जाए। ऐसा ना कि किताब के लिए भेजा जाए और इसके लिए वो दारू खरीद कर लाए, और खाद के लिए भेजा जाए तो वो उसका घर बनवाने में प्रयोग करें या अन्य कार्यों में प्रयोग करें, कपड़े खरीदने में। ये एक उदाहरण मात्र है, ऐसा बहुत सारे देखा गया है। मैंने भी अपने निजी तौर पर ये ऐसा महसूस किया है कि जब बच्चों को किताब और यूनिफॉर्म के लिए पैसे भेजे जाते हैं तो उन्हें किसी त्यौहार या किसी अन्य उद्देश्य से के पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये अब इसके बाद से संभव नहीं होगा। आगे उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि ई रूपी वाउचर भी सफलता के नए आयाम, नए अध्याय लिखेगा। इसमें हमारे बैंकों और
पेमेंट गेटवे की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारे सैकड़ों प्राइवेट अस्पतालों, कॉरपोरेट्स, उद्योग जगत, एनजीओ और दूसरे अन्य संस्थान भी इसको लेकर रुचि दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप उनके ओरिजिनल ट्वीट्स देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। और ये आज की ही ट्वीट है कि आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने ये भी दावा किया है कि जुलाई के महीने में यूपीआई के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक की लेन देन हुई है, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए के अधिक की लेन देन की गई है, ठीक है। और सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संगठन या संस्था अगर चाह रही है, ये मतलब सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ही नहीं बल्कि प्राइवेट संगठन या सामान्य संगठन है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, वो भी कैश के बजाय ई रुपी दे पाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टरों में बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी मेडिक्लेम होते हैं उनके लिए भुगतान करती है, तो उसमें वो कैश की जगह ई रुपी का भुगतान, एक रुपये के रूप में भुगतान कर पाएंगे। तो इससे सुनिश्चित हो जाएगा कि जो दिया गया धन है वो उसी काम में लगा है जिसके लिए राशि दी गई है। और इसके साथ ये भी बताया गया कि ई रूपी वाउचर जो है देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, ये जो DBT है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन को और प्रभावी बनाने में अपना बड़ा भूमिका निभाएगा। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री, यानी कि जो टारगेट किया गया है उसी में लगेगा, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होगा और लीकेज फ्री सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें किसी तरह का दलाली या जो लूप होल होता है जहां से लीक कर दिया जाता है उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए पैसा जारी किया जाता है वो ना हो के वहां से लूट खसोट जो किया जाता है वो ना हो सके, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इसमें ना भी हो ऐसा कुछ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं को लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने की योजना के लिए इसे तैयार की है। ई रूपी का उपयोग आप यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक सब्सिडी आदि योजनाओं के तहत, मातृ शिशु कल्याण योजना, TB उन्मूलन, दवा और निदान के तहत दवाओं के पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसका उल्लेख मैंने पहले भी आपको किया था, एक बार दोबारा कर दिया इसमें। और आप ये भी देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र, तो ये सारे जो बातें हैं मैंने पहले भी बताया। अब महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी योजना क्या किसी अन्य देशों में भी है या हमारे देश में पहली बार लॉन्च की जा रही, तो जी नहीं, इसका उपयोग ऑलरेडी अमेरिका, हांगकांग सहित अन्य कई देश कर रहे हैं और इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि भारत को भी इससे काफ़ी आसान है और काफ़ी लाभान्वित होगा और जिस उद्देश्य के लिए बना है ये उस उद्देश्य को पूर्ति करेगा। तो आप यदि हमसे सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से आप ये जो इसकी PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो खुश रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और भगवान आपको सफल करे ऐसी कामना के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में।